सो दोस्तों आपके भी चैनल पर अगर वार्निंग का स्ट्राइक आ रखा है, आ चुका है, पहले से आपका वार्निंग का स्ट्राइक आया है, तो उसे अब आप रिमूव कर सकते हो, उसे आप हटा सकते हो। दोस्तों ये क्या पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एकदम ही पॉसिबल है, 100% वर्किंग है दोस्तों। इस टॉपिक पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसे कैसे हटाएं, लेकिन उन तरीकों से आपका स्ट्राइक नहीं हटने वाला है। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ उससे आपका स्ट्राइक हट जाएगा और 100% गारंटी है दोस्तों। यहाँ पर YouTube का एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है जिसमें ट्रेडिंग करके आप इस स्ट्राइक को हटा सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग करना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इससे आपका स्ट्राइक हटने वाला है। दोस्तों ये स्ट्राइक पहले आता था और ये कभी भी नहीं हटता था, आपके चैनल पर हमेशा दिखता रहता था। दोस्तों एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक आता है वो उसका डेट होता है 3 महीने का, 3 महीने के बाद वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। लेकिन जो वार्निंग का स्ट्राइक आता है ये कभी भी नहीं हटता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्राइक को आप हटा सकते हो और 100% गारंटी के साथ आप इस स्ट्राइक को हटा सकते हो। दोस्तों वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना और थोड़ा सा स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस स्ट्राइक को हटा सकते हो, वो भी चुटकी बजाकर। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑल कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको अपने YT स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। आप जैसे क्रोम ब्राउजर के अंदर आप ओपन करोगे अपने YT स्टूडियो को तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको थोड़ा सा जूम करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुझे 2 स्ट्राइक पहले से ही एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल चुके हैं पहले से ही, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको वार्निंग का स्ट्राइक भी दिखा देता हूँ। मुझे वार्निंग का स्ट्राइक लेकर 3 स्ट्राइक मुझे मिल चुका है, जो कि यहाँ पर दिसंबर में स्ट्राइक हट जाएगा खुद ही खुद। लेकिन जो यहाँ पर वार्निंग का स्ट्राइक है, जो ये वाला स्ट्राइक है, ये कभी भी नहीं हटने वाला है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से हटा सकते हैं और मैं भी यहाँ पर अपने इस स्ट्राइक को हटाने वाला हूँ। तो किस तरह से हटाना है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको क्या करना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको टैग एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर टैग एक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे टैग एक्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा जो वार्निंग का स्ट्राइक है ये कभी भी हटने वाला नहीं है और ये हमारे चैनल पर हमेशा ही दिखता रहता है और ये स्ट्राइक बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, या यहाँ की बड़े बड़े यूट्यूबर को भी ये स्ट्राइक मिल चुका है और वो भी अपने चैनल से ये स्ट्राइक नहीं हटा पाए हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा उससे आप स्ट्राइक को हटा सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कोने में वेगन रिव्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेगन रिव्यू पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से कोने में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहीं से प्रोसेस करना है, यहाँ से आप बिल्कुल ही ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको टैग ट्रेंडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैग ट्रेंडिंग का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पर टैग ट्रेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोने में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, यही क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर यस करना है या फिर नो करना है, इन दोनों में से एक करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, या फिर अगर आपको इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आती भी है और आप इसे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर तुक्का आप सब क्वेश्चन में मार सकते हो। यहाँ पर तुक्का में, यहाँ पर मैं भी आपको तुक्का ही मारकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको चेक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर चेक पर क्लिक करोगे तो ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आंसर गलत है, तो फिर से आपको क्या करना है, ट्राई अगेन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ट्राई अगेन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और फिर से आपको चेक पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर चेक पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। फिर से आपको यहाँ पर जूमिंग कम कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको कोने में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ से आपको आप फिर से यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है। यहाँ पर फिर से मैं यस पर क्लिक करता हूँ, चेक पर करता हूँ,
उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये सही है, उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर से इसे हम यहाँ पर यस करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा क्वेश्चन गलत है, फिर से हम ट्राई अगेन पर करते हैं, नो पर करते हैं, चेक पर करते हैं, यहाँ पर हमारा करेक्ट हो चुका, नेक्स्ट कर देते हैं। फिर से यहाँ पर नो पर करते हैं, उसके बाद चेक पर करते हैं, यहाँ पर हमारा ये भी करेक्ट है, फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर 7 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। फिर से यहाँ पर यस पर करते हैं, चेक पर करते हैं, यहाँ पर हमारा ये भी करेक्ट है, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3-4 डिब्बे आ गए हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देता हूँ। ये भी ये गलत है, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर चेक पर क्लिक किया, ट्राई अगेन पर, यहाँ पर मैं 4th नंबर वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये भी गलत है, फिर से ट्राई अगेन 1st वाला, ये भी गलत है, यानी कि हमारा तीसरा वाला सही है। तीसरे वाला पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर ये क्वेश्चन राइट है। उसके बाद यहाँ से फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर मेरा 7वां क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर आप देख पाओगे 7वां क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ चुका है, यहाँ पर अभी नहीं हुआ था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं 2nd पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चेक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मेरा ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, नाइस वर्क कंप्लीट द ट्रेंडिंग, यहाँ पर आपका ट्रेंडिंग कंप्लीट हो चुका है। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये आपका स्ट्राइक कब हटने वाला है। दोस्तों ये स्ट्राइक जो है ये कभी भी हटने वाला नहीं था, लेकिन जो मैं आज ये तरीका बताया हूँ इससे आप स्ट्राइक को हटा पाओगे, यहाँ पर आपका स्ट्राइक हट भी जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जूम कराया और यहाँ पर देख पाओगे कि मेरा जो ये स्ट्राइक है 26 जनवरी 2024 में है, हमारा स्ट्राइक हट जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखना, दोस्तों आप ये ट्रेडिंग करना, उसके बाद में आपके भी यहाँ पर कुछ डेट आएगा, उस डेट में आपका स्ट्राइक हट जाएगा। यहाँ पर मेरा 26 जनवरी का डेट आया है, आपके भी में कुछ ना कुछ डेट आएगा, यहाँ पर तुरंत नहीं हटेगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद आपका भी स्ट्राइक हट जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एक गलती और मत करना, नहीं तो आपका स्ट्राइक नहीं हटने वाला है। वो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपका ये स्ट्राइक जिस रीजन से आया था, जिस पॉलिसी से आया था ये आपका स्ट्राइक, वो आपको गलती दोबारा नहीं करना है। जैसे आपका स्ट्राइक जिस गलती से आया था वो गलती आपको दोबारा से नहीं करना है। अगर वो गलती आप इन डेट के बीच में, जो मेरे पास 26 जनवरी है, इस डेट के बीच में ये गलती मैं दोबारा कर देता हूँ, जो गलती से मेरा ये स्ट्राइक आया था, तो मेरा स्ट्राइक कभी भी नहीं हटेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, उसके बाद में आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है, तो आपका ये स्ट्राइक हट जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूं। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।